नमस्कार दर्शकों, जय हिंद ज्ञान मुद्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, आपकी ये फरमाइश है कि मैं छोटी ई एवं बड़ी ई की मात्रा में आपको डिफरेंस समझाऊं, इनमें अंतर समझाऊं। चलिए, मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए छोटी ई एवं बड़ी ई। मैं इसको बहुत ही गहराई से आपको समझाऊंगी और आपको ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दिलाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है उनको लगाने के तरीके में। सबसे पहले जब छोटी ई की मात्रा हम लगाते हैं तो इधर से चलते हैं, इसका मूवमेंट हर हमेशा, जब छोटी ई की मात्रा किसी शब्द में लगाते हैं तो उसका मूवमेंट हर हमेशा बाएं से दाएं की तरफ होता है। देखिए, मैंने एरो से भी समझाया है। और दूसरी चीज, जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका मूवमेंट हर हमेशा अक्षर की तरफ दाएं से बाएं की तरफ होता है, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। इसमें अक्षर हम बाद में लिखते हैं, मात्रा पहले, इसमें अक्षर पहले लिखा जाता है, मात्रा बाद में। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल माइंड में आप फिक्स कर लीजिए कि छोटी ई की मात्रा हर हमेशा बाएं से दाएं की तरफ मुड़ी रहती है, और जो एंड पोर्शन है इसका, अंतिम भाग है जो इसका, अभी मैं आपको उदाहरण भी दूंगी, जो इसका अंतिम भाग है वो हर हमेशा दाएं की तरफ झुका रहता है। और इसका अंतिम भाग, ये वाला अंतिम भाग जो है, यहाँ से गया, हमने मात्रा लगाई, यहाँ से मात्रा लगाई, तो ये अंतिम भाग जो है हर हमेशा बाएं की तरफ मुड़ा रहता है। ये तो हो गई इनकी पहचान। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि यह किताब किसकी है, यह किताब, मैंने बोला कि यह किताब किसकी है, तो की, देखिए यहाँ से ले आई हूँ अक्षर पर, किसकी तरफ, दाएं की तरफ। अब किसकी, पहले अक्षर लिखा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ छोटी ई की मात्रा, पहले मात्रा लगती है फिर अक्षर लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा में पहले अक्षर लिखा जाता है फिर मात्रा पड़ती है। देखिए, फिर मैंने एरो लगाए हैं, फिर इसका मूवमेंट बाएं की तरफ छोटी ई की, और बड़ी ई की मात्रा का मूवमेंट दाईं तरफ हो गया। आपको आ गया तो कमेंट कीजिए मुझे। अब दूसरी तरीके से हम पहचान कैसे करेंगे, एक तो हमने इसको मात्रा को लगाने से पहचान किया, दूसरा उच्चारण से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, छोटी ई की मात्रा में, मात्रा के उच्चारण में कम समय लगता है, और बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जब हम बड़ी ई की मात्रा का शब्द बोलेंगे तो वह ज़्यादा समय लेगा, और छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे तो वह कम समय लेगा। जैसे हमने कहा कि नीरज ने कविता पढ़ी, ये मैंने शुद्ध लिखा है, नीरज ने कविता पढ़ी। अब मैं बोल रही हूँ नीरज ने कविता पढ़ी। अब इसी चीज़ को अशुद्ध जब हम लिखते हैं तो नीरज ने कविता पढ़ी, नहीं, हमको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी छोटी ई की मात्रा के शब्द और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। और एक समय ऐसा आता है कि हम परफेक्ट बन जाते हैं, और बिल्कुल कहते ही हम समझ जाते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि यह शब्द बड़ी ई की मात्रा में लिखा जाएगा और यह शब्द जो है छोटी ई की मात्रा में लिखा जाएगा। जैसे इसी को लीजिए, और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण जब हम लेते हैं तो जैसे मैंने लिखा, सब्जी में जीरा, धनिया और एवं पनीर डाल। जैसे मैंने, कोई कहता है कि सब्जी में जीरा, धनिया एवं पनीर डाल। अब देखिए, जीरा हमें क्या लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, धनिया हमें क्या लग रहा है, कम समय। इसको आप जो है प्रैक्टिस में भी ले सकते हैं,
अब मैंने इसी ये तो शुद्ध रूप लिया, अब मैं ये लिखती हूँ सब्जी, सब्जी मैं जीरा और धनिया एवं पनीर डाल, नहीं आप जो है खुद एनालाइज कर लेंगे कि ये गलत है, ये इसका अशुद्ध रूप है, ये इसका शुद्ध रूप है, ये हमारी इसका शुद्ध रूप है। ये तो हो गया शब्दों की पहचान। पहले मैंने मात्रा की पहचान सिखाई आपको, फिर उसके उच्चारण से पहचान सिखाई कि उच्चारण में अधिक समय लगता है बड़ी ई में, छोटी ई में कम समय लगता है। अब इनकी ध्वनि कहाँ से आती है, अक्सर आप कहीं भी वीडियोज में, आप कोई भी वीडियो देखिए, पूरा गूगल छानिए, पूरा साइबर साइट छानिए, कहीं पर भी इनमें डिफरेंस नहीं, सब दे रहे हैं मात्रा, सब दे रहे हैं, लेकिन आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि मैंने कितनी गहराई से आपको बताया है। अब देखिए मैं बताती हूँ कि इसका उच्चारण कहाँ से निकलता है, आप खुद मेरे साथ कीजिए। जैसे ई एवं बड़ी ई की ध्वनि तालु से निकलती है, अब तालु कहाँ है मैंने आपको पढ़ाया है मात्राओं में, मात्राओं का वीडियो जो मैंने दिया है बहुत डीप में मैंने आपको पढ़ाया है कि तालु कहाँ पर है, तालु हम किसको बोलते हैं, और जीव का मध्य भाग, उसमें मैंने जीव का फिगर बना करके भी दिखाया है ऐसे करके, जैसे ये हमारी जीव हो गई, ये हमारी जीव हो गई, ये जो है प्रथम भाग, ये मध्य भाग होते हैं और ये अंतिम भाग। अब ये जीव का मध्य भाग जो होता है हमारे तालु को टच करता है, बोलिए मेरे साथ ई तो मध्य भाग जाएंगे दोनों, ये जो है ऊपर टच होते हैं हमारे तालु को, ई ई तालु से, और इसकी ध्वनि जो है तालु से निकलती है तो तालव्य ध्वनि बोलते हैं इसकी ध्वनि को, और जीभ का मध्य भाग तालु को छूता है तो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के का उच्चारण निकलता है। कभी कभी भी छोटी ई का हम उच्चारण करते हैं हर हमेशा कम ध्वनि निकलती है, बड़ी ई का उच्चारण करते हैं अधिक देर तक ध्वनि निकलती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तो था मेरा वीडियो छोटी ई एवं बड़ी ई। मेरे प्रिय बच्चों, आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीडियो बनाना हो, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो, लगभग लगभग मेरा एक्सपर्टाइजेशन सारे सब्जेक्ट्स में है, आप जो है डिमांड दीजिए, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।